हेलो मन व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार, वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आल्सो अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरा कर लेना, बिकॉज़ मैं ऐसे ही आप लोग के लिए रेगुलरली न्यूज़ लाते रहता हूं। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की तरफ और बात करते हैं रचित्रू के बारे में। तो भाई रचित्रू ने कर दी है अपनी YouTube इनकम रिवील। यस भाई, बेसिकली हुआ क्या कि रिसेंटली यार रचित्रू अपने चैनल के ऊपर में यार जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उन्होंने अपने चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो जिस पर 11 मिलियन व्यूज है उसका भाई रेवेन्यू रिवील कर दिया कि उन्होंने उस वीडियो से भाई कितना कमाया। वो क्या कुछ कहते हैं इसके रिगार्डिंग, देखिए आप लोग। अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि YouTube कितना ज्यादा चेंज हो गया है, एज इन मैं भी कितना ज्यादा चेंज हो गया हूं, ठीक है ना, और मेरे नंबर्स कितने ज्यादा चेंज हो गए हैं। कोविड, ये वीडियो मैंने डाली थी जब कोविड था, ठीक है। ओके, दिस इज माय ऑनेस्ट लाइक वो लुक एट दिस। तो ये है इस वीडियो का ग्राफ, ठीक है ना। सो इट हैज 11 मिलियन व्यूज और इस वीडियो से मैंने 52,000 सब्सक्राइबर्स लिए थे एंड इस वीडियो का टोटल रिवेन्यू इज 1,69,000। या कितने लोगों ने सही गैस किया था, कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही गैस किया था, 1,69,000। आई डोंट थिंक सो किसी ने भी 1,69,000 गैस किया था। 11 मिलियन व्यूज पे भाई, आई मीन इफ यू सी उस टाइम पे एक्चुअली इसको कम इसलिए भी आया था क्योंकि कोविड था एंड कोविड के टाइम पे ना फ्रेंड्स बहुत कम पैसा देती थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो भाई सौरभ जोशी ने अपने आज वाले व्लॉग में कर दिया एक बहुत बड़ी गलती। बेसिकली हुआ क्या कि सौरभ ने आज ही अपने चैनल के ऊपर में जो न्यू व्लॉग को अपलोड किया उस व्लॉग में उनको एंड ऑल्सो उनके फैमिली को एक सांप दिखता है। अब लाइक सीन ये होता है कि ऑल्सो उनको एंड ऑल्सो उनके फैमिली को ये लगने लगता है कि वो जो सांप है वो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है, तो वो सारे के सारे लोग भाई उसको टच वगैरह करने लगते हैं, छूने लगते हैं। बट कुछ ही टाइम के बाद में भाई को ये पता लगता है कि वो जो सांप है वो तो भाई बहुत ज्यादा जहरीला था। एंड इसके बाद में भाई सौरभ जोशी ने रिएक्ट किया अपने रिसेंट वाले व्लॉग में, वो क्या कुछ कहते हैं इसके रिगार्डिंग, देखिए आप लोग। अभी हमने गूगल पे चेक किया, आज जो सांप आया ना वो अजगर नहीं है, वो बहुत ही जहरीला रेसल वाइपर है। हमको डाउट हो रहा था बिकॉज़ उसका ना लुक थोड़ा अलग था, तो हमने सर्च किया। ये देखो भाई गूगल पे दिखा रहा है, रेसल वाइपर बहुत ही जहरीला होता है। और ये रहा देखो, बिल्कुल सेम है स्किन, देखो धारी गोल गोल सा है ना, बिल्कुल सेम है। तो भाई हम तो टच कर रहे थे उसको, हमको लगा था कि वो भी अजगर है, अजगर में जहर नहीं होता ना, बट इसमें भाई बहुत खतरनाक जहर होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, एक्चुअली रोज वही पाइथन निकल रहे थे ना वहाँ पे, तो इसीलिए गलती होगी। तो ये गलती आपको भी मत करना, कभी आप सांप दिखे ना उसको इस तरह टच मत करना, अगर आपको पता ना हो कौन सा है इस तरह टच मत करना भाई। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा की एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आप लोग यार पॉपुलर इंडियन क्रिकेट प्लेयर रविंद्र जडेजा को तो यार आप लोग जानते ही होंगे। तो इनके रिगार्डिंग यार अभी के टाइम पे इंटरनेट पे काफी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा कि ये यार मैरिड है, बट अभी के टाइम पे यार जो रविंद्र जडेजा के यार फादर है उनका एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है यार इंटरनेट पे, जहां पर भाई उन्होंने रविंद्र जडेजा के यार बारे में काफी सारी चीजें रिवील करी है। बेसिकली उन्होंने यार ये कहा है कि जब से यार रविंद्र जडेजा की यार शादी हुई है तब से वो हमें भूल गया, हमें वो कॉल वगैरह नहीं करता एंड ना ही हम उसे कॉल करते हैं, लाइक हमारा कोई भी कनेक्शन अभी के टाइम पे नहीं है। एंड ऑल्सो रविंद्र जडेजा के फादर ये भी कहते हैं कि सारी चीजें यार जो स्टार्ट हुई हैं, लाइक जो कनेक्शन हमारे टूट गए वो तब से है जब से रविंद्र जडेजा की यार शादी को 3 महीने हुआ था। एंड उन्होंने यार ये भी कहा कि पता नहीं उसके बीवी ने कौन सा जादू कर दिया उसके ऊपर एंड वो हमें भूल गया। एंड ऑल्सो वो ये भी कहते हैं कि अच्छा यही होता कि अगर उसकी शादी ना हुई होती या फिर वो क्रिकेटर ही नहीं होता। एंड जब से रविंद्र जडेजा के यार फादर का ये इंटरव्यू यार काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, ऑल्सो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही है जब लोग यार रविंद्र जडेजा से ये चीज पूछ रहे हैं कि भाई क्या सच में तुमने ऐसा किया, क्या तुम सच में अपने मम्मी पापा को भूल गए, तो ये सारे यार एलिगेशंस का रिप्लाई करते हैं रविंद्र जडेजा। उन्होंने यार एक ट्वीट किया था जिस ट्वीट में वो कहते हैं लेट्स इग्नोर व्हाट शेड इन स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज। एंड ऑल्सो इस ट्वीट में रविंद्र जडेजा ने यार गुजराती लैंग्वेज में एक टेक्स्ट भी लिखा था, अगर मैं आप लोग को यार इसको ट्रांसलेट करके बताऊं तो वो यही कहते हैं कि जो अभी के टाइम पर इंटरव्यू दिया है यार मेरे फादर ने यार उस न्यूज चैनल को, वो उसमें जितनी भी बातें करी गई हैं वो सारे यार मीनिंगलेस हैं। एंड ऑल्सो वो काफी ज्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं एंड उन्होंने जो भी इंटरव्यू में बोला है वो सारी की सारी चीजें सिर्फ वन साइडेड है। बोलना तो मुझे भी बहुत सारी चीजें हैं बट मैं उसे पब्लिकली रिवील नहीं करता एंड मैं भी बोलने को काफी सारी चीजें बोल सकता हूं। बाकी आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है यार इस मैटर के ऊपर, लाइक रविंद्र जडेजा के फादर एंड ऑल्सो उनके बीच की कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर, मुझे अपनी ओपिनियंस को यार कॉमेंट्स में जरूर बताना। एड्स के रिलेटेड इस मैटर के रिलेटेड और भी यार जो भी अपडेट्स वगैरह मिलेंगे मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर रविंद्र जडेजा के रिलेटेड बात चली रही है तो बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। अब आप लोगों को भाई जैसा कि पता ही है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का यार चालू होने वाला है यार लास्ट 3 टेस्ट मैचेस, तो इसमें यार विराट कोहली पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं एंड भाई यार अपने फैमिली एंड ऑल्सो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। एंड अभी के टाइम पर ये जब इन्फॉर्मेशन यार बाहर आई है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लास्ट के 3 टेस्ट मैचेस में, तो उनका एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर यार उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि माय फैमिली इज माय टॉप प्रायोरिटी, आई एम बिजी प्लेइंग क्रिकेट बट आई ऑलवेज वांट टू कम बैक होम, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय डॉटर, आई डोंट वांट टू मिस द ग्रोइंग इयर्स। अब जैसा कि यार मैंने आपको बताया कि यार विराट कोहली तो यार नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं लास्ट 3 मैचेस में यार इंडिया
वर्सेस इंग्लैंड में, बट कौन कौन से यार प्लेयर्स खेलने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच वो आप लोग अपने स्क्रीन पर यार देख पा रहे, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर विराट कोहली के रिलेटेड बात चली रही है तो पाकिस्तान के काफी ज्यादा पॉपुलर क्रिकेटर शादाब खान ने यार काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया विराट कोहली के ऊपर। उन्होंने कहा विराट कोहली इज अ बिग लेजेंड, द वे ही टॉक्स एंड ट्रीट पीपल, द वे ही हेल्प्स पीपल एंड प्लेयर्स वेलकम एवरीवन इज सो नाइस, ही इज वेरी हंबल एंड अ वेरी नाइस गाय। बाकी आप लोगों का क्या ऑब्जेक्शन है शादाब खान के इस स्टेटमेंट के ऊपर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर विराट कोहली के रिलेटेड बात चली रही है तो भाई नेक्स्ट न्यूज यार काफी ज्यादा क्रेजी है। बेसिकली हुआ क्या कि यार अभी के टाइम पे इंटरनेट पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर भाई नागालैंड के कुछ लड़कियां एंड ऑल्सो बिहार का एक लड़का जो कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, उन दोनों के बीच में काफी नेक्स्ट लेवल भाई झगड़ा हो गया। अब वो झगड़ा किस टॉपिक पे हुआ था यार आप लोग गेस करो कमेंट्स में, बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो यार झगड़ा हुआ था पैसों को लेके। लाइक होता क्या है कि वो नागालैंड की जो लड़कियां थी वो उस बिहार के ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भाई अच्छा पैसा दे ही नहीं रही थी जितना उसने मांगा था, वो फेयर प्राइस उसको पे नहीं कर रही थी, तो इसीलिए भाई हो गया काफी गंदे लेवल पे कलेश। आप लोग देख पा रहोगे अपने स्क्रीन पर। तो अच्छा से बोला चला मालिक को कहाँ से देगा, तो हम लोग ने नहीं देगा बोला, देगा बोला तो बाद में बोला देगा तो बाद में मालिक मानेगा, तो कहाँ से देगा मालिक, आपका हाथ, आपका हाथ ऊपर में मत जाओ, बुरा होगा, दिमाग है ना, चुपचाप हो भी दे। लड़की को कभी भी ऐसे जबान मत लारो, जबान लगाया। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं शुभमन गिल के बारे में। भाई अभी के टाइम पे शुभमन गिल को इंटरनेट पे काफी ज्यादा हेट मिल रही है। बेसिकली हुआ क्या कि अभी रिसेंटली यार एक फोटो रिवील हुई जिसमें यार शुभमन गिल जो है वो मुनावर फारूकी से मिले थे, तो उसी पोस्ट के नीचे भाई शुभमन गिल को लोग यार अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं एंड ऑल्सो उनको काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा है। जैसे कि कुछ कमेंट्स भी यार मैं आप लोग को पढ़ के सुना देता हूँ। लोएस्ट पॉइंट ऑफ गिल्स करियर, इसके बाद में कुछ और भी कमेंट आता है, दिस न्यू क्रिकेट प्लेयर आर लूजिंग देयर ऑल स्टैंडर्ड्स, थ्री डिजास्टर इन सेम फ्रेम, अरे ये गिल से क्यों मिला यार, अ वेरी अनरियल डाउनफॉल ऑफ शुभमन गिल। बाकी आप लोग का क्या ऑब्जेक्शन है यार इस शुभमन गिल के हेट के ऊपर, कि क्या उनको यार जो हेट मिल रही है वो मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं केएसआई के बारे में। भाई केएसआई ने एक बहुत ज्यादा यार तगड़ी सी चीज रिवील करी। बेसिकली हुआ क्या कि जूस वर्ल्ड जिन्हें ऑलरेडी यार आप लोग जानते होंगे, ये काफी ज्यादा पॉपुलर अमेरिकन रैपर थे, बट अभी कुछ ही साल पहले यार उनकी हो गई थी। बट लाइक होता क्या है कि जब भी यार आप गूगल पे सर्च करोगे जूस वर्ल्ड, तो वहां पर भाई जो रिजल्ट आएगा लाइक जूस वर्ल्ड की जो फोटो आएगी उसके बगल में भाई आपको केएसआई भी देखने को मिलेंगे। लाइक गूगल ये बताना चाहता है कि भाई जूस वर्ल्ड ही केएसआई हैं, एंड ऑल्सो वो मर चुके हैं लिटरली। भाई इस चीज के ऊपर केएसआई ने रिएक्ट किया एंड वो कहते हैं ERM। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं एक स्ट्रीमर के बारे में जिसने यार एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसकी वजह से अभी के टाइम पे भाई वो फंस चुका है। बेसिकली हुआ क्या कि एक स्ट्रीमर अभी रिसेंटली यार अपने स्ट्रीम के ऊपर फोर्टनाइट खेल रहा था एंड उसने भाई ये चीज रिवील करी कि मेरे के बगल वाले हॉस्पिटल में एक काला आदमी एडमिट है। वही रेसिज्म वाली चीजें आप लोग समझ गए होंगे एंड वो ये कहता है कि मैं उसको भाई मारना चाहता हूं क्योंकि वो काला है एंड नेक्स्ट लेवल भाई ये रेसिस्ट बंदा था। एंड सबसे पहले यार आप लोग वाली स्ट्रीमर की यार क्लिप देखिए जिसमें यार वो ये सारी चीजें बोलता है। I'm literally gonna go shoot up a black neighborhood if I keep playing against them. They're terrible. Literally like I hate niggers so much. I actually do literally. I'm gonna go to high school tomorrow too. On a Sunday. अभी के टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो चुका है उस स्ट्रीमर के ऊपर। बेसिकली यार उसके ऊपर काफी बड़ी बड़ी यार इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं कि उसके साथ क्या कुछ होगा या फिर क्या नहीं होगा। जब भी इसके रिलेटेड यार और भी कुछ अपडेट्स वगैरह मिलेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं एडन रॉस के बारे में। तो एडन रॉस के एक फैन ने भाई उनके लिए काफी ज्यादा क्रेजी चीज करी। बेसिकली यार लास्ट वेगस के स्फीयर के बारे में आप लोग यार जानते होंगे, जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा की तरह है, जैसे यार बुर्ज खलीफा के ऊपर तरह तरह के एडवर्टीजमेंट या फिर पोस्टर लगाए जाते हैं यार, चलाए जाते हैं स्क्रीन में, वैसे ही लास वेगस के स्फीयर के ऊपर यार एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह चलाए जाते हैं। बट यार एडन रॉस के एक फैन ने यार लास्ट वेगर स्पेयर के ऊपर एडन रॉस की फोटो चलवाई एंड वो काफी ज्यादा क्रेजी चीज थी। देखिए आप लोग बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं वर्ल्ड के कुछ क्रेजी स्टैट्स के बारे में। तो यार इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी वेबसाइट है जो कि यार सर्च करी गई है 2024 के अंदर, लाइक यार दो महीनों के अंदर यार इंडिया में यूजर्स ने सबसे ज्यादा कौन सी वेबसाइट को विजिट किया है। तो आप लोग देख पा रहे हो नंबर वन पे गूगल, नंबर टू पे यूट्यूब, नंबर थ्री पे फेसबुक, नंबर फोर पे इंस्टाग्राम एंड नंबर फाइव पे यार कुछ खतरनाक ही सीन है आप लोग देख पा रहे, नंबर सिक्स पे आज तक, नंबर सेवन पे सैमसंग एंड सारी लिस्ट को आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे। अगर वर्ल्ड के स्टैट्स के रिलेटेड बात चल रही है तो भाई सारे देशों
देशों में से कौन से देश में यार सबसे ज्यादा विमेन पायलट्स हैं, तो वो है भाई इंडिया में 15%, इसके बाद है आयरलैंड, उसके बाद है साउथ अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड सबसे कम विमेन पायलट्स हैं यार पूरे देश में सिंगापुर में, एंड वर्ल्ड में 5.8% विमेन पायलट्स हैं। आप लोग का क्या ऑब्जेक्शन है स्टैट्स को जानने के बाद में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं एप्पल विजन प्रो गैजेट के बारे में। अब जैसे कि आप लोग को पता ही है कि एप्पल ने भी रिसेंटली यार अपना एक काफी ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट, अपना यार वीआर हेडसेट, अपना एप्पल विजन प्रो को यार लॉन्च किया है। बट यार होता क्या है कि भी रिसेंटली एक टिकटॉकर जो कि कंप्लीटली यार ब्लाइंड है, वो कुछ भी देख नहीं पाते, उन्होंने यार एप्पल विजन प्रो के रिलेटेड एक काफी बड़ी एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा कि जब से यार वो एप्पल विजन प्रो को यूज कर रहे हैं तब से यार उनको काफी अच्छा लग रहा है, वो चीजों को देख पा रहे हैं। एंड एप्पल विजन प्रो यार एक वीआर हेडसेट है तो वो आंख पे लगा रहता है, तो वो चीजों को और भी ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं है। एंड उन्होंने यार ये भी कहा कि एप्पल विजन प्रो जब से वो यूज कर रहे हैं तब से वो यार एक नई दुनिया को देख पा रहे हैं जो कि उन्होंने यार आज तक नहीं देखी। उन्होंने यार कुछ और भी बातें करी थी, आप लोग सारे यार स्क्रीनशॉट को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे। अगर आप लोग को उनकी कन्वर्जेशन पढ़नी है जो कि उन्होंने यार बताया इंटरव्यूज वगैरह में, तो आप लोग भाई देख पा रहे, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। आपका क्या ऑब्जेक्शन है इस चीज में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं कैसे यूट्यूबर के बारे में जिसने एक बहुत ज्यादा शॉकिंग गैजेट बना दिया। बेसिकली हुआ क्या कि एक यूट्यूबर ने अपने एक टीन के डब्बे के अंदर भाई एक वर्किंग कीबोर्ड को बनाया है। एंड लिटरली भाई वो कीबोर्ड काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, भाई वो वर्किंग है, वो चलता है। आप लोग का क्या ऑब्जेक्शन है भाई इस वर्किंग कीबोर्ड को देखने के बाद में, मुझे अपने ओपिनियंस को भाई कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं गेमर फिट के बारे में। तो क्या भाई गेमर फिट ने यार किडनैप कर लिया है टेक्नो गेमर्स को, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो इस चीज को रिवील किया गेमर फिट ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। क्या कुछ मैटर है उन्होंने भाई सारे सीन को बताया अपने रीसेंट वाले इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। मैंने किडनैप कर लिया, अरे हाथ में चलो आज कोई पिटने वाला है भाई, ऐसे लोगों को गाड़ी में ही मत बैठाओ, मैं तो कह रहा हूँ आगे से देख के, अगर ये कहीं दिखते हैं इनको गाड़ी में मत बैठाना अपनी, ठीक है ना? नहीं दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई और मैं अपनी फिरौती का सामान भी लेके आ चुका हूँ। अभी तक ये कुछ कर रहे हैं ना, उल्टा सीधा क्या कर रहे हैं? ओए मैंने पकड़ा हुआ है इनको, ठीक है? अभी तक का तो सिर्फ खर्चा रहा, तुम लोग बताओ कितना निकाला जाए इनसे, सोचो कुछ कर। अच्छा भाई ये कुछ पीछे कर रहे हैं, हाँ चुप रहे ना, बिल्कुल एकदम बता रहा हूँ मैं। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो क्या भाई मुनावर फारूकी ने एक और गर्लफ्रेंड बना ली है। बेसिकली हुआ क्या कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये एक स्टोरी को अपलोड किया जिसमें यार उन्होंने किसी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था, तो उनको यार लोग इंटरनेट पे और भी ज्यादा ट्रोल करने लगे कि भाई इसने यार एक और गर्लफ्रेंड बना ली। एंड लोग यार यही कहने लगे कि भाई नई भाभी आ गई, नई भाभी आ गई। बट इसके बाद में यार मुनावर फारूकी ने एक और भी स्टोरी अपलोड करी अपने इंस्टाग्राम पे, एंड उन्होंने इस चीज का रिप्लाई किया, वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप। सिंगल मरेंगे अपन, सिंगल। तो चलो गाइस बस अभी के लिए न्यूज थी, रहेगी जब न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड या गाइस अगर आप लोग मुझे कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप लोग को न्यूज सबमिशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग वहां पर जाकर मुझे कोई न्यूज सबमिट करोगे तो डेफिनेटली यार गाइस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।